नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद शहर पूरी तरह से कूड़े से पटा पड़ा है, जिसे हटाने के लिए नगर निगम कमिश्नर या अन्य अधिकारियों ने कोई पहल नहीं की। कूड़े के ढेर से आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर भी हैं। ऐसे में शहर में हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। कूड़े के ढेर अलग अलग जगहों पर पड़े हुए हैं, जिससे न जाने कितनी जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जो वातावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जानलेवा डेंगू मलेरिया के मच्छर भी इसी गंदगी में पनप रहे हैं, जिसको साफ कराने के लिए फरीदाबाद शहर की जनता ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद प्रशासन से गुहार लगाई है, ताकि उन्हें स्वच्छ वातावरण मिल सके। देखिए, अगर साफ सफाई की हम बात करें, पहले ही साफ सफाई हमारे क्षेत्र में या हमारे विधानसभा के अंदर ना के बराबर थी, और जब से हमारे जो कर्मचारी भाई हैं हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तब से साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा चरमरा रही है। हर जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। त्योहारों के सीज़न पे भी लोगों ने अपने आप सफाई की है, मच्छर इतने पैदा हो गए हैं कि हम किसी से कह नहीं सकते। इसमें स्थानीय प्रशासन को और स्थानीय नेताओं को बीच में दखल देनी चाहिए, और जितने भी हमारे साथी कर्मचारी बैठे हुए हैं उनकी हड़ताल ख़त्म करके उनकी जो पेमेंट है उनको देना चाहिए। देखिए, जो नगर निगम कर्मचारी हैं वो सफाई का एकदम इतना ध्यान रखते हैं, और हमारे लिए तो वे एक देवता के समान हैं। अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो अब दिवाली का त्यौहार है, किस तरीके से लोगों ने मनाया है, कैसे गया है पता नहीं, और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अब थोड़े बहुत दिन की बात और जा रही है, डेंगू का प्रकोप बढ़ जाएगा तो लोगों में बीमारियां फैलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं तो सरकार से भी यही प्रार्थना है, सबसे यही प्रार्थना है कि बहुत जल्दी से जल्दी इनका सॉल्यूशन किया जाए, जिस भी लेवल पर, जिस भी आधार पर किया जाए, और जल्दी से जल्दी किया जाए। इससे काफ़ी समस्या का परेशान करना पड़ रहा है पब्लिक बहुत ज़्यादा, इससे बीमारी का खतरा है। मार्केट में कचरे का ढेर लगा हुआ है, जगह जगह पर कचरा इकट्ठा हो रहा है, इससे हमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कृपया करके इस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व कराया जाए। ढंग के अच्छे तरीके से नालियों की सफाई न होने के कारण, गटरों की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों पर भरा हुआ है, और जिससे काफ़ी समस्या का जूझना पड़ रहा है, काफ़ी सारी समस्याओं से। हरियाणा सरकार से हमारी गुजारिश है, कृपया करके इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान। जब से हमारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जब से ही हमें काफ़ी परेशानियों की उठानी पड़ रही हैं। जहाँ भी निकलते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ पे कूड़े के ढेर। बाज़ारों की बात करें, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। गांव शहर के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं। हरियाणा सरकार से सिर्फ यही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी जो समस्या चलती आ रही है उनका समाधान करें, और हम जैसे लोगों की समस्या का, जो इन समस्याओं से जो हम जूझ रहे हैं, हरियाणा सरकार से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द इनका समाधान करें, और दोबारा से अपने सुचारू रूप से ये अपने कर्मचारी जितने हैं हड़ताल पे बैठे हुए हैं अपना कार्य तरीके से और अपनी मेहनत से करें। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।